हेलो फ्रेंड्स, आधार इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रेट 2018 का कट ऑफ आने के पश्चात इसकी वेटिंग लिस्ट कब तक आ जाएगी और वेटिंग लिस्ट कितनी रहेगी, इस सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी एजुकेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन है वो आपको समय समय पर प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, रेट 2018 की वेटिंग लिस्ट लगभग 2 से 3% कम आने की संभावना है। 2 से 3% तक वेटिंग लिस्ट कम हो जाएगी, जो भी कट ऑफ है उससे सभी सब्जेक्टों में लगभग 2% से 3% तक कम होने की संभावना है। वेटिंग लिस्ट, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो कि वेटिंग लिस्ट रेट 2018 में सिलेक्टेड जो भी अभ्यर्थी है उनको ज्वाइनिंग देने के पश्चात आएगी, तो इसलिए वेटिंग लिस्ट लगभग नेक्स्ट मंथ में आने की पूरी संभावना है। अब वेटिंग लिस्ट कितनी रहेगी इन सभी की, सभी सब्जेक्टों की, तो वो आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों, अंग्रेजी की जो वेटिंग लिस्ट है, देख सकते हैं आप, अंग्रेजी की जो जनरल की कट ऑफ है वो 67.93 रही है। तो जो इसकी वेटिंग लिस्ट है, तो अभी सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेजी में जो एडिशनल वाले हैं, इंग्लिश में जो एडिशनल वाले अभ्यर्थी हैं उनको शामिल करें या नहीं करें, उस आधार पे इंग्लिश की कट ऑफ जारी होगी। जो वेटिंग लिस्ट आएगी उस आधार पे आएगी। तो इंग्लिश की कट ऑफ की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ का कंफर्म होने के पश्चात आपको बताऊंगा। इसके साथ ही जो हिंदी की वेटिंग लिस्ट है, वो जो हिंदी की जनरल की कट ऑफ है वो 72 है, तो वेटिंग लिस्ट इसकी लगभग 70% जनरल की, और ओबीसी की जो वेटिंग लिस्ट है वो लगभग 60, मतलब कि ओबीसी की कट ऑफ 68 तक आने की संभावना है। इसी प्रकार बाकी की सब्जेक्टों की आप देख सकते हो, और इसी प्रकार आपको साइंस और मैथ्स की जो वेटिंग लिस्ट है, दोस्तों साइंस और मैथ की जो वेटिंग लिस्ट है वो सर्वाधिक 2 से 3% तक वेरिएशन साइंस और मैथ्स की कट ऑफ में रहेगा। जैसे जनरल की कट ऑफ 75.17 रही थी, तो दोस्तों आपको पता है तो संस्कृत डिपार्टमेंट का भी रिजल्ट जारी हो गया है, तो उस आधार पे जो जनरल की वेटिंग लिस्ट है वो लगभग इसमें 73% तक आने की पूरी संभावना है, और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग 72% से ऊपर वाले सभी अभी वेटिंग लिस्ट की दौड़ में है। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ आएगी सेकेंड वेटिंग लिस्ट और थर्ड वेटिंग लिस्ट आने के पश्चात, ओबीसी की जो वेटिंग लिस्ट है वो लगभग 71% तक आने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार है वो जनरल की आप देख सकते हो कट ऑफ 74 रही थी, तो उस आधार पे जो जनरल की वेटिंग लिस्ट है वो 72 या फिर अपन 72 मान सकते हैं, लगभग 72 तक आने की संभावना है। इसी प्रकार ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 71.67 के समथिंग रहने की संभावना है। इसी प्रकार दोस्तों, जैसे नेक्स्ट बात करते हैं अपन, हाँ दोस्तों, और संस्कृत की जो वेटिंग लिस्ट है वो जनरल की कट ऑफ 75.60 है, तो उस आधार पे संस्कृत की जो वेटिंग लिस्ट है वो लगभग 74 और 73 के बीच में रहने की पूरी संभावना है। तो जिनके इनके बीच में परसेंट आ रहे हैं वो सभी अभी वेटिंग लिस्ट में, उनमें नंबर आ सकता है उनका, और ओबीसी की लगभग 72.80 के समथिंग रहने की संभावना है। दोस्तों, इसी प्रकार बाकी की अन्य सब्जेक्टों की रहेगी, तो लगभग वेटिंग लिस्ट में 2% तो श्योर है कि 2% तो वेटिंग लिस्ट सभी सब्जेक्टों की कम आ जाएगी, और 2 से 3% तक वेरिएशन होने की पूरी संभावना है। ओके दोस्तों, और जिन भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को आधार इंडिया यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बधाई, और अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आपके जो भी इंफॉर्मेशन एजुकेशन से संबंधित है उनके वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।